हेलो एवरीबॉडी, आज आप लेक्चर कैडर मैथ एग्जाम प्रिपरेशन MCQ सीरीज नंबर सैकेंड करांगे। फर्स्ट सीरीज आप कंप्लीट की है तो यह सैकेंड सीरीज है जिंद काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है। सम तो पहला तो एक कंसैप्ट क्लीयर कराऊंगी प्रिमल एंड ड्यूल का, ठीक है। आप लीनियर प्रोग्रामिंग किया हो प्रिमल एंड ड्यूल मास्टर कैडर लिए ये भी जोड़िया थोड़ा जहा वाइड कंसैप्ट है तो इन्हें प्रिमल तो ड्यूल में रिलेशन की होंगे उन्होंने समझना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मैक्सीमाइज करना होंगे जो इनका ड्यूल आता तो वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हो जाता मिनिमम टाइप का हो जाता। जिथे रिक्वायरमेंट वैक्टर होंगे ड्यूल में की होंगे प्राइज वैक्टर होंगे तो प्रिमल में आप लें कोफिशिएंट मैट्रिक, ठीक है। इन जो आप ड्यूल में लें तो वो की होंगे ट्रांसपोज ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक। जो भी प्रिमल का मतलब प्रिमल होंगी जी आप लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशन दी होंगी ओरिजिनल, ठीक है। तो ड्यूल जो आप ड्यूल फाइंड करते हैं, ठीक है। तो उन्हें आप जो कोफिशिएंट मैट्रिक आती है उनका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इन्हें कॉन्सटेंट जो अपने को लैस दैन और इक्वल टू टाइप है तो जो आप ड्यूल करेंगे तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू टाइप आएंगे। जो रिलेशन होएगा वो की है वेरिएबल कन्वर्ट हो जाएगा। जे आयथ इन इक्वैलिटी है तो ये बन जाएगा आयथ वेरिएबल बन जाएगा। इवें जे आयथ कॉन्सटेंट इन इक्वैलिटीज़ है तो ये की बन जाएंगे आयथ वेरिएबल बन जाएगा। जिथे डबल्यू आई की अनरिस्ट्रिक्टेड होएगा मतलब कोई साइन नहीं कोई लिमिट नहीं होएगी डबल्यू आई की। इतने आपको दिता से ना डबल्यू आई ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो तो इतने की सी रिस्ट्रिक्टेड से बट इतने की अनरिस्ट्रिक्टेड होएगा। एट्थ नंबर पर कि वेरिएबल रिलेशन कन्वर्ट हो जाएंगे जो ड्यूल च होएगा जिमें रिलेशन वेरिएबल च होंगे उमें वेरिएबल की हो जाता रिलेशन तो आयथ वेरिएबल एक्स आई ग्रेटर दैन जीरो होंगे तो आयथ रिलेशन स्ट्रिक्टली इक्वैलिटी होल्ड हो जाती है, ठीक है। जिथे ग्रेटर दैन की है उत्थे इक्वैलिटी हो जाती है उवें आयथ वेरिएबल अन एक्स जो इतने अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे तो जो इतने आयथ वेरिएबल होंगे तो इतने जो ड्यूल फाइंड करते हो कि कॉन्सटेंट बन जाती है, ठीक है। तो यह बन जाती है स्ट्रिक्ट इन इक्वैलिटी बन जाती है जिम्मे अनरिस्ट्रिक्ट से ना तो वह की बन जाती है स्ट्रिक्ट इक्वैलिटी बन जाती है। जोड़ा स्लैक वेरिएबल है, ठीक है, वह किन्द कन्वर्ट हो जाएगा वेरिएबल जीरो तो वेरिएबल जीरो किन्द हो जाएगा सरपलस वेरिएबल जो आप ड्यूल फाइंड करना। यह नहीं है कि वेरिएबल जीरो आप स्लैक वेरिएबल कन्वर्ट कर देना, यह चीज़ नोट करनी है। जोड़ा स्लैक वेरिएबल है वो की होएगा वेरिएबल जीरो होएगा, जो वेरिएबल जीरो होगा सरपलस वेरिएबल होएगा। उमें जो फाइनेट ऑप्टीमल सोल्यूशन है इक्वल की होंगे फाइनेट ऑप्टीमल सोल्यूशन मतलब प्रिमल तो ड्यूल का दोवे का फाइनेट ऑप्टीमल सोल्यूशन की होंगे इक्वल होंगे। इस जी थ्योरम है एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लेनी है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट ही है कि दोनों का जोड़ा ऑप्टीमल सोल्यूशन है वो इक्वल आएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी, ठीक है। 14 की है अनबाउंडड सोल्यूशन आ जाता जो प्रिमल का तो उनका क्या आएगा नो सोल्यूशन आएगा जो आप बोल सकते अनबाउंड सोल्यूशन आएगा, ठीक है। जो नो फैसिबल सोल्यूशन भी कह सकते हो तो 14 जी है भी अपने को थ्योरम का नाम है कि थ्योरम है एग्जिस्टेंस थ्योरम। एग्जिस्टेंस थ्योरम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है थ्योरम्स देकर आप स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। उस तो नेक्स्ट है इन्हें नाल रिलेटेड एक तुम एक एग्जाम्पल करवाने जिंद प्रिमल तो ड्यूल किमें बनाना वो सारी स्टेटमेंट आऊगी। इन जो कंसैप्ट आप क्लीयर हो जाएगा जिमें हम अपने को प्रिमल है, प्रिमल अपने को है मिनिमस टाइप का, ठीक है। फस्ट ऑफ ऑल तो की बन जाएगा इनका ड्यूल मैक्सीमस टाइप का हो जाएगा। तो पहले आप इस इक्वेशनस जिमें हम ग्रेटर दैन इक्वल टू आ लैस दैन आ इक्वल है इन्हों सेम इनक्वैलिटी चेंज करना तो वह किमें करा वेखो एक्स वन प्लस एक्स टू इतने अपने को एक्स थ्री है ना तो बट फस्ट नहीं दिता तो आप जीरो एक्स थ्री ले लेंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू टू एक् टू एक्स वन इतने लैस दैन टाइप का ना तो इनू ग्रेटर दैन टाइप बनाने लिए करा माइनस ला देंगे माइनस सिक्स एक्स थ्री ग्रेटर दैन माइनस ऑफ सिक्स। जो भी आप माइनस लैके जाने नैगेटिव करते हैं तो की है जो ग्रेटर दैन है या लैस दैन है वो कन्वर्ट हो जाता दूसरे साइन से जो ग्रेटर दैन है तो लैस दैन हो जाएगा लैस दैन होगा तो ग्रेटर दैन आ जाएगा। सेम ईयर इतने इक्वल है जो इक्वल आ जाता है तो अपने को टू कंडीशन आदि है फस्ट जो अपने को आता है ग्रेटर दैन टाइप एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री इन टू इक्वेशनस बन गया ग्रेटर दैन फोर आ जाएगा एक बार की आ जाएगा ये नैगेटिव हो जाएगा लैस दैन आ जाएगा। ठीक है इतों तक तो सिर्फ आप इन्हों जो अपने को दिखाया से इनक्वैलिटीज़ उन्होंने सैट करके लिखा ये अपने को दर्शाता देखो ये अपने को बनता पे ए एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी इनू आप मैट्रिक फॉर्म से कन्वर्ट कर लेंगे तो मैट्रिक ए अपने को है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स थ्री, ठीक है। वन वन जीरो माइनस टू माइनस वन
माइनस वन माइनस सिक्स, वन माइनस थ्री थ्री, माइनस वन वन एंड माइनस थ्री कोफिशेंट ऑफ मैट्रिक इस ढंग ने आप लिखते हैं नाल क्या जाएगा एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री वेरिएबल दिते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी बी अपने कोल की दिती है आ वाले टर्म्स ठीक है इनू आप लिख लें मैट्रिक फॉर्म च टू माइनस सिक्स फोर एंड माइनस फोर हूँ इस टर्म आप ड्यूल चेंज करना है तो ड्यूल अपने कोल की होंगे ए ट्रांसपोज नाल आप डबल जू ले लेंगे एक्स की जगह पर जोड़ा ग्रेटर दैन है वह की हो जाएगा लैस दैन ठीक है इनू सी डैश ना डिनोट कर लेंगे जो आप स्टेटमेंट की है तो इंटर जो भी आ मैट्रिक है आप ट्रांसपोज करना है ट्रांसपोज करना आप सबन आता है ठीक है तो जो रो है कॉलम से चेंज हो जाएगी सेम सैकेंड रो जी कॉलम से चेंज हो जाएगी फिर थर्ड रो जी की है कॉलम से चेंज हो जाएगी माइनस वन फोर्थ रो जी है कॉलम से चेंज हो जाएगी इन्हें नाल अपने कोल की है जो अपने कोल इजली साइड इक्वेशन होंगे वो वेरिएबल बन जाती हैं डबल जू वन डबल जू टू डबल जू थ्री एंड ए फोर है ना तो डबल जू फोर आ जाएगा जेड़ा अपने को ग्रेटर दैन और इक्वल टू टाइप है एक ही बन जाएगा लैस दैन और इक्वल टू इतने आप शो किया है ठीक है तो जो अपने को इतने आप मिनीमाइज़ करना है ठीक है वो अपने को इधरली साइड पर आ जाएगा टू फस्ट से एक्स वन नहीं दिता जीरो आ जाएगा सैकेंड से टू है कोफिशियंट थर्ड से है फाइव नैक्सट आप इस इक्वेशन लिखना हूँ आप मिनीमाइज़ की जगह पर की करना है मैक्सीमाइज ठीक है जेड का ड्यूल फाइंड करते पे ये अपने कोल की आएगा बी डैश डबल यू ठीक है तो बी डैश अपने कोल की बनता पाया जो अपने बनाई हुई है इधरली साइड पर ठीक है जो भी अपने कोल इस फंक्शन आ वाली टर्म्स दित्तियां होंदियां उन्होंने आप बना देना होंगे मैक्सीमाइज टाइप तो जड़िया इक्वेशन आप इंटरचेंज हो जाती हैं ठीक है कोफिशिएंट तो ये अपने कोल की आएगा टू डबल यू वन माइनस सिक्स इतने आप बनाई से ना इक्वेशन अपने कोल की बन गई सी माइनस सिक्स बन गया से प्लस ऑफ फोर डबल जू थ्री माइनस फोर डबल जू फोर आ जाएगा क्लीयर है फिर हूँ अपने को जो आप मैट्रिक बनाई है ये अपने को किस टाइप से आ जाएगी जो आप लैस दैन लिखी है ना ठीक है तो इनू मैट्रिक फॉर्म से लिख लेंगे कि आ जाएगा वन डबल जू वन माइनस टू डबल जू टू प्लस डबल जू थ्री तो माइनस डबल जू फोर ठीक है वो लैस दैन और इक्वल टू कहते आ जाएगा अपने को जीरो दे सेम ही आप इनू लिख लेंगे इनू भी लिख लेंगे ठीक है तो इनकी ड्यूल ऑफ प्राइमल अपने को आ गया जो आप मैक्सीमाइज करना ठीक है ये तो अपने को कंडीशन बन गई सैकेंडली अपने को जी इक्वेशनस की आप कंडीशन बनावे ठीक है उन्होंने आप कंपाइंड करके थ्री फॉर्म कन्वर्ट कर लेंगे जिम्मे हम इतने अपने को फोर है ना डबल जू थ्री माइनस डबल जू फोर इन्हों आप वन टर्म लै लेंगे ठीक है इन आप लै लेंगे वन डबल जू वन माइनस टू डबल जू टू प्लस की है डबल जू थ्री डैश लै लेंगे लैस दैन आर इक्वल टू जीरो ले लेंगे इस ढंग अपने को जी ड्यूल की इक्वेशन बन जाएगी सैकेंडली है इंट्रैगल इक्वेशन इंट्रैगल इक्वेशन अपन एम सी क्यू टाइप सिर्फ दो इक्वेशन आनी है मेन एक होंगी है वॉल्टर्स इंट्रैगल इक्वेशन आती है ठीक है तो एक होंगी है फेडरॉन ठीक है पहले आप वॉल्टर इंट्रैगल इक्वेशन करा इन अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरिएबल होंगी है ठीक है ये चीज़ नोट करनी है इंडेज जी अपर लिमिट होंगी वो की होंगी है वेरिएबल होंगी मतलब जो आ एक्स अपन दिता है वेरिएबल है चेंज हो सकता वन हो सकता टू हो सकता थ्री हो सकता बाकी दोनों जड़िया इक्वेशन सेम होंगे अल्फा एक्स फाई एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैमडा ए टू एक्स के एक्स एक्साई फाई एक्साई डी एक्साई ठीक है वॉल्टर इक्वेशन फस्ट काइंड की होंगी है जो एल्फा इक्वल टू जीरो हो जाता तो इन एल्फा जीरो भर दोगे अपने को एफ एक्स ए वाली कंडीशन बन जाएगी सेम वॉल्टर नॉन होमोजीनियस इंट्रैगल इक्वेशन सैकेंड काइंड की होंगी है जलों एल्फा इक्वल टू वन आ जाता है इन्हें आप फिल करना एल्फा इज इक्वल टू वन सेम होमोजीनियसली आप करना कि एफ एक्स जीरो फिल कर देना एल्फा वन फिल कर देना ठीक है जिते इतने आप एल्फा वन फिल किया ना जो इन एफ एक्स इक्वल टू जीरो फिल कर देंगे तो अपने को बन जाएगी होमोजीनियस सेम है फ्रैड हॉलम्स इंट्रैगल इक्वेशन इन जिम्मे उ बोथ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अपने को वेरिएबल दसते हैं इतने अपने को आने कॉन्सटेंट आने ठीक है अपने को आने कॉन्सटेंट है इन्हें डिफरेंस जो है इतने की आएगा ए टू बी अपने कोंसटेंट लिमिट दी हुई हैं उनके अपर लिमिट जो सी वो एक्स दी सी वेरिएबल दी सी बाकी इक्वेशन सेम है इतने फाइव ऑफ एक्स लिख सकते हो तो फेडरोम इंट्रैगल फस्ट काइंड की होंगी एल्फा इक्वल टू जीरो फिल कर दो अपने को इक्वेशन बन जाएगी सेम ही नॉन होमोजेनियस सैकेंड काइंड की होंगी एल्फा इक्वल टू वन फिल कर देंगे ठीक है
तो हूँ मुझे स्टेकल एल्फा वन एफ ऑफ एक्स जीरो फिल कर दोगे। मेन कई बार अपन क्वेश्चन इस लिमिट दे के पूछ लिया जाता कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कॉन्सटेंट है तो दैन केड़ी इक्वेशन आएगी, वॉल्टर या फ्रेडहोल्म आएगी। हूँ अपना फर्स्ट जेड़ा एम सी क्यू है तो फर्स्ट एम सी क्यू की है कंसीडर द एल एल पी मैक्सीमाइज करना है जेड टू एक्स वन माइनस फोर एक्स टू द टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, जो प्रीवियस वीडियो आप फर्स्ट सीरीज की है उसमें तुम्हें मैं एक्सप्लेन किया कि बेसिक सोल्यूशन की होंगे, टू टाइप्स होंगे जनरेट एंड डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट। ठीक है, तो इन आप फाइंड करना नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन। जो भी नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन फाइंड करने तो इनका सिंपल जहा फार्मूला होंगे एम प्लस एन तो सी ऑफ कंबीनेशन ऑफ एम आ जाता है। अपने को एम वेरीएबल्स होंगे एन अनाउंस जो जिन्या नंबर ऑफ इक्वेशनस होंगे। हूँ इन अपने को नंबर ऑफ वेरीएबल भी की है टू ही है तो इक्वेशनस भी की है टू है टू प्लस टू तो इतने अपने को जो नंबर ऑफ वेरीएबल है किन्ने है टू है। एम नंबर ऑफ वेरीएबल होंगे फोर सी टू इन खोलोगे तो फोर मल्टीप्लाई थ्री अपॉन टू कैंसल करोगे तो क्या आएगा थ्री टू द सिक्स, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगी। आ फार्मूला याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन फाइंड करने का फार्मूला की होंगे एम प्लस एन सी एम। सैकेंड एफ एच इज द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग दैन फॉरवर्ड डिफरेंस माइनस बैकवर्ड डिफरेंस एक्स स्क्वायर किन इक्वल होता है। ठीक है, अपने को न्यूमेरिकल एनालिसिस जो सामने तो अपना जो भी फॉरवर्ड डिफरेंस लिखना आप इन्हों अलग अलग कर देंगे ब्रैकेट खोल देंगे। बैकवर्ड डिफरेंस जो फॉरवर्ड डिफरेंस लिखते हो तो की लिखते होंगे एक्स प्लस एच टी होल स्केयर माइनस एक्स टी स्केयर, सेम ही ब्रैकेट आप बैकवर्ड डिफरेंस लिख लेंगे एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस एच टी स्केयर। ठीक है, तो इन स्केयर खोल देंगे, इन भी स्केयर खोल देंगे, अपने को बन जाएगा टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स एच ए स्केयर ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला खोल लेंगे। एच स्केयर आ एक्स स्केयर तो एक्स स्केयर अपने को टू एक्स स्केयर आ जाएगा तो इन भी आप खोल देंगे आप साइन है प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्केयर माइनस टू एक्स एच प्लस एच डी स्केयर जी टर्म्स कैंसल होंगे वो आप कैंसल कर देंगे, जिम्मे हम टू एक्स स्केयर तो एक्स स्केयर ही कैंसल हो जाएगा, टू एक्स एच कैंसल हो जाएगा, एच स्केयर क्या जाएगा टू एच स्केयर। टू एच स्केयर जो है ऑप्शन बी अपने को राइट आएगी। थर्ड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर इन इकोनॉमिकल फॉर्म। ठीक है, आप इकोनॉमिकल फॉर्म एक स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी है, इकोनॉमिकल फॉर्म से आप रिप्रजेंट करते हैं आर आर एस एस टी टी एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो दैन एस स्केयर माइनस फोर आर टी ग्रेटर दैन जीरो की रिप्रजेंट करता पाया। ठीक है, इन तीन अपने कोडीशन होंगे जे एस स्केयर माइनस फोर आर टी ग्रेटर दैन जीरो है तो यह होंगे हाइपरबोलिक। ठीक है, तुम नोट कर सकते हो एस स्केयर माइनस फोर आर टी इज इक्वल टू जीरो हों तो यह अपने को होंगी है पैराबोला बनता है कि होंगे पैराबोलिक। ठीक है, तो जे अपने को एस स्केयर माइनस फोर आर टी लैस दैन जीरो है तो यह अपने को बन जाता है अलैप्टिक। ठीक है, एक चीज़ होर याद रखनी है तुसी अपने को जो ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे उनके होंगे ओनली वन इंडिपेंडेंट होंगे, ओनली वन इंडिपेंडेंट जोड़ा है वेरीएबल होंगे, बट जो अपने को पी डी आ जाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो उनके होंगे वन मोर दैन वन इंडिपेंडेंट वेरीएबल होंगे। ठीक है, मोर दैन वन इंडिपेंडेंट वेरीएबल्स होंगे एक एज अ क्वेश्चन अपने को पूछा जा सकता है। फोर्थ है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट फोर जे एग्जैक्ट इक्वेशनस दैन आप फाइंड करनी है बी की वैल्यू फाइंड करनी है दैन उन्होंने अपन सिंपल कंडीशन दी भी एग्जैक्ट है। ठीक है, तो इन बी की वैल्यू दसी हो ए की वैल्यू दसी है तो ए बी की वैल्यू इतों अपने को आ जाएगी। जे एग्जैक्ट है इनू आप लैके चलते हैं एम इनू की लैके चलते हैं एन तो एग्जैक्ट जो भी अपने कोडीशन होंगी है तो की होंगे करली एम बाय करली वाई इज इक्वल टू करली एन बाय करली एक्स हो जाता। ठीक है, तो बी इतों आप वाई नाल आप डेरीवेटिव कर देंगे तो आ तो जीरो हो जाएगी टर्म अपने को बचेगा बी कोज ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन द विद रिस्पैक्ट टू एक्स करेंगे आ टर्म जीरो हो जाएगी ओनली आ बचेगी इक्वल टू टू कोज ऑफ एक्स आ जाएगा आ कोज एक्स ना कोज एक्स कैंसल हो जाएगा बी इक्वल टू टू आ जाएगा बट इन ए की वैल्यू कोई नहीं अपने को शो होंगी तो कोई भी वैल्यू जी ए की आ सकती है बी ऑप्शन अपना राइट होएगा ए इज एनी वैल्यू बट बी इज इक्वल टू टू आएगा। फिफ्थ है द इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है,
इस मीट्रिक का आप जरा इनवर्स फाइंड करना तो आपने कोई की है जो भी इनवर्स फाइंड करना है तो आप जो है फस्ट है इनू रिवर्स करके सैकेंड रो जो मान सकते हो फस्ट रो सैकेंड रो इंटरचेंज कर देना तो ये ऑप्शन अपने को राइट आ जाएगी। जितने 4 1 4 है उत्थे 4 1 आ जाएगा, जितने 2 5 है 5 2 आ जाएगा, 3 3 एज इट रह जाएगा, 4 1 की जगह 1 4, 5 2 की जगह 2 5 आ जाएगा। 6 है पोलर फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशनस। ठीक है, सी आर इक्वेशनस तो पहला तो इन्होंने कंडीशनस पता होनी चाहिए कि कोशी सी आर की फुल फॉर्म होंगी कोशी रिबनस इन जड़ी इक्वेशनस। ठीक है, तो अपने कोई भी फंक्शन है जिम्मे हम अपने एफ जैड है तो इन्हें की है यू एक्स वाई प्लस ईटा वी एक्स वाई। आप सी आर तो बोलेंगे सी आर इस इन्होंने इक्वेशन सी आर आप कदों बोल सकते हैं जदों अपने को जरा आप पार्शल डेरीवेटिव करिए विद रिस्पैक्ट टू यू एक्स का इज इक्वल टू बी वाई हो जाए एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम बी एक्स हो जाए। एक तो यह कंडीशन होनी चाहिए सी आर बनने लिए। सैकेंड कंडीशन की होनी चाहिए है कि जोड़ा अपने को डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वह एग्जिस्ट करता होना चाहिए एक्स नॉट एंड वाई नॉट से। क्लीयर, तो इन ये कंडीशनस आप होल्ड करवाया है। उस नैक्सट इतने अपने पूछे पोलर फॉर्म तो इनकी पोलर फॉर्म अपन पूछी है। ठीक है, पोलर फॉर्म की होंगी आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, ये पोलर फॉर्म से आप लिख रहे हैं किसी भी कोआर्डीनेट में पोलर कोआर्डीनेट अपन दिते हुए तो इन आप है इनू जी इनकी पोलर फॉर्म है वो अपने को होंगी यू आर इज इक्वल टू 1/r v थीटा एंड जी 1/r यू थीटा इज इक्वल टू वी माइनस वी आर। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग तुम ऑप्शन चैक कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन की है आर यू आर आर इधर मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू वी थीटा तो करैक्ट है। फिर आप सैकेंड चैक करेंगे यू थीटा इज इक्वल टू आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा। दूसरे तुम चैक कर सकते हो कि होंगे रोंग आएंगे। एट समय इफ 1 ω 1 ω³ क्यूब द nth रूट ऑफ यूनिटी दैन द वैल्यू ऑफ फाइंड करनी है आप इस टर्म्स की तो nth रूट ऑफ यूनिटी दिता है मतलब x की पावर n इज इक्वल टू की दिता है 1 दिता है तो आप 1 इधर ले जाएंगे की बन जाएगा x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो इन फैक्टराइज करोगे तो इन आप लिख सकते हैं x माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा 1 क्योंकि जिमें भी हूँ अपने को फैक्टर करा तो फैक्टर अपने को 1 ω 1 ω 2 अप टू सोन ओमेगा एन माइनस 1 आएंगे। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 ने एक फैक्टर आया क्योंकि इतने एक्स एन जोड़ा एन माइनस 1 आएगा एक फैक्टर आ गया ना तो टोटल एन फैक्टर अपने को बन जाएंगे। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा 1 इन आप फैक्टराइज फॉर्म से लिख सकते हैं तो एक्स माइनस ओमेगा 2 अप टू सो ऑन एक्स माइनस ओमेगा एन माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू किन दी है एक्स की पावर एन माइनस 1 दे आ एक्स की पावर 1 आप इतने नीचे ले आवेंगे इतने आ जाएगा एक्स माइनस 1। ठीक है, ये तो इन खत्म कर सकते हो उधर जाके आपने क्यों गया डिवाइड हो गया। नैक्सट स्टैप की है, देखो अपन चाहिए 1 ω 1 1 ω 2 पहला तो एक्स की पावर एन माइनस 1 है इनू आप खोल सकते हैं। ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस 1 आप खोल के लिखेंगे वो अपने को बन जाएगा एक्स माइनस 1 नाल की आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन एक्स की पावर एन माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपॉन की आ जाएगा एक्स माइनस 1 इन्हें कैंसल हो जाएगा, बाकी आप किया इतने 1 चाहिए एक्स की जगह पर 1 फिल कर देंगे। जो एक्स की जगह पर 1 फिल करोगे तो आ सारिया टर्म्स अप टू सो ऑन 1 + 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन कि बन गई एन टर्म्स बन गई तो इन्हों आप लिख सकते हैं एन इक्वल टू इतने एक्स की जगह पर 1 फिल कर दोगे इतने भी 1 फिल कर दोगे तो अपने को लैफ्ट हैंड साइड बन जाएगी तो इक्वल टू की आ जाएगा एन दे तो अपने को ऑप्शन जी है ये बिल्कुल राइट आ जाएगी। 9 सेम है फॉर द फंक्शन एट द पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3 अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एंड असेंशियल सिंगुलरिटी एंड मूवेबल सिंगुलरिटी। पहले तो डेफिनेशन क्लीयर होनी चाहिए है कि पोल की होंगे तो फस्ट ऑफ पोल की होंगे असेंशियल सिंगुलरिटी की होंगी है ये तुम्हें मैं छोटी जी एग्जाम्पल देकर समझाई है। देखो जिम्मे हम अपने कोई फंक्शन है एफ जेड दिता इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन जेड माइनस ए अप टू सो ऑन प्लस ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। ठीक है, प्लस की दिता है बी वन जेड माइनस ए प्लस बी की स्केयर जेड माइनस ए की होल स्केयर
अप टू सो ऑन, ठीक है। अपने को लॉरेंट सीरीज दी मान लो तो इन्हें जोड़ा ए वाला पार्ट हूँ इनू की बोलते हैं प्रिंसीपल पार्ट, ठीक है। तो आप इनू देखना प्रिंसीपल पार्ट में जे अपने कोल कोफिशियंट जो बी एन है तो कोफिशियंट ऑफ बी एन है वो की हो जाए मे बी जीरो हो जाए कोफिशियंट ऑफ जिम्मे बी वन भी जीरो हो गया बी टू भी जीरो हो गया तो बी थ्री अप टू सोन जीरो हो जाए तो आप इनू की बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है। ये फंक्शन अपने को एनालैटिक बन जाएगा एक्सैप्ट ए ते क्योंकि ये सैटिस्फाई नहीं ना करता तो यू छड के एनालैटिक फंक्शन है तो इन्हें जी अपने को सिंगुलरिटी आएगी वो की आएगी रिमूवेबल, ठीक है। क्योंकि ये सारी टर्म्स जीरो हो जाएगी इन रिमूव कर सकते हैं एक ही बनेगी रिमूवेबल सिंगुलरिटी। फिर इन जी सैकेंड टाइप आँदी अपने को असेंशियल सिंगुलरिटी की होंगी है, ठीक है। असेंशियल सिंगुलरिटी वेखो जी अपने को बी वन बी टू आ सारी अपने को टर्म जी अप टू सोनी इनफिनिटी तक चलती प्रिंसीपल पार्ट की आप ओनली गल करनी है तो पॉइंट एज ना बोलेंगे असेंशियल सिंगुलरिटी कहेंगे जे अप टू सोन इनफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। सैकेंड अपने को पोल जे अपने को फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए जिन्हें प्रिंसीपल पार्ट से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो यू आप बोलेंगे जिम्मे हूँ इतने इनफिनिटी आ गई तो यह होगी असेंशियल सिंगुलरिटी। बट जे अपने को इतने आ जाता बी एन अपॉन जैड माइनस ए की पावर एन, ठीक है। तो अपने को जोड़ा है सैड आप कह सकते हैं कि पोल ऑफ ऑर्डर एन आ जाना सी एन ऑर्डर का पोल आ जाना सी, ठीक है। इतने अपने को आ गया बी एन जैड माइनस ए की पावर एन पहला अगर सीरीज उमें चलनी है तो इनू आप बोल सकते सी पोल ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। एक तो पोल क्लीयर हो गया जे एन अपने को वन हों तो इनू आप बोलना सी सिंपल पोल, ठीक है। जो एन वन हो गए तो उन्होंने की बोलते हैं सिंपल पोल। हूँ इतने पूछे अपने को फंक्शन एफ जैड इज एट द पॉइंट जैड इज इक्वल टू जीरो डिफाइन करना ये पोल ऑफ ऑर्डर थ्री होंगे पोल ऑफ ऑर्डर टू होंगे जहाँ असेंशियल सिंगुलरिटी है जहाँ अपने को रिमूवल सिंगुलरिटी है तो इन पहले अपने को जो सीरीज दिखती है इतने साइन जैड दिता है तो साइन जैड की अपने को एक सीरीज होंगी है जिन्हों आप बोलते हैं जैड साइन जैड ना इस तरह लिख सकते हैं सीरीज फॉर्म च जैड माइनस जैड की पावर थ्री अपॉन थ्री विक्टोरियल प्लस जैड की पावर फाइव अपॉन फाइव विक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इन्हें आप फिल कर देंगे अपने को दिता है लिमिट जैड अप्रोचेस टू जीरो जीरो के पॉइंट दिता ना जैड अप्रोचेस टू जीरो तो इतने अपने को एफ जैड की टर्म की आ गई जैड माइनस आ वाला जैड लिख लेंगे साइन जिल जैड की जगह पर इनकी सीरीज़ फिल कर देंगे। ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ई जैड होया जा अपने को साइन जैड कोस जैड या टेंजेंट जैड, ठीक है। तो ये अपना लर्न भी होगी सीरीज सारियां अप टू सोन अपॉन की है जैड की क्यू आ जैड ना जैड कैंसल हो गया आप माइनस प्लस हो गया जैड ना जैड कैंसल हो गया अपने को बन गया वन अपॉन थ्री विक्टोरियल, ठीक है। वन अपॉन थ्री विक्टोरियल तो एक ही आ जाएगा अपने को वन अपॉन सिक्स आ जाएगा जी सैकेंड टर्म है उत्थे अपने को जैड में जो डिवाइड करोगे तो की बन जाएगा जैड की स्केयर अपॉन फाइव विक्टोरियल लिमिट जी है जैड अप्रोचेस टू जीरो जीरो जैड इक्वल टू जीरो भरोगे तो इतने अपने को ओनली वन बाय सिक्स बचेगा, ठीक है। तो इन्हें मतलब जी है जैड इज इक्वल टू जीरो तो की आ गई रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ गई एक फाइनेट वैल्यू आ गई ना अपने को आ गई अपने को रिमूवेबल सिंगुलरिटी आ गई, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इन्हें कोई पोल नहीं ना आया जे अपने को नीचे इतने कोई टर्म बच जाती जिमें हम अपने को बच जाता जैड की स्केयर तो आप इनू की बोलना सी पोल ऑफ ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू आ गया तो पोल ऑफ ऑर्डर टू एट जैड इज इक्वल टू जीरो बट अपने कोई भी टर्म यहोजी नहीं बची तो अपने को बचिया वन अपॉन सिक्स ओनली तो एक फाइनाइट वैल्यू बच गई है तो यह कि अपने को आ गई रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जे अप टू सो इनफाइनाइट दिता जाता तो फिर अपने को बनना से असेंशियल सिंगुलरिटी। टेंथ है फॉर द फंक्शन द पॉइंट जैड इज टू जीरो इन्हें भी उही पूछे असेंशियल सिंगुलरिटी पूछी है पोल ऑफ ऑर्डर जीरो पोल ऑफ ऑर्डर वन है जै रिमूवेबल सिंगुलरिटी है हम तो सिंगुलरिटी असेंशियल सिंगुलरिटी एंड पोल क्लीयर है तो ई पावर जैड की सीरीज फिल कर दो तो डायरैक्ट आप सम सॉल्व कर सकते हैं आप वन अपॉन जैड न बाहर लिख लेंगे, ठीक है। उम्मीद लिमिट जैड अपने को जीरो फिल कर देना जीरो वाल अप्रोच करता तो जीरो आ गया तो ब्रैकेट की आ गया वन माइनस ई जैड की सीरीज की होंगी है वन प्लस जैड अपॉन वन विक्टोरियल प्लस जैड स्केयर अपॉन टू विक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। वन नाल वन कैंसल हो जाएगा तो लिमिट अंदर जाओगे जैड ना जैड कैंसल हो जाएगा तो इतने अपने को जैड बच जाएगा इस वैल्यू फिल करोगे तो ओनली अपने को बचेगा माइनस वन जैड इजिकल टू जीरो फिल करोगे तो पॉइंट जैड इक्वल टू जीरो तो फिर अपने को बन गई है रिमूवेबल सिंगुलरिटी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट कर गई तो इन्हें पोल कोई नहीं अपने को रिमेनिंग रह गया, ठीक है। तो यह अपने को बन गया रिमूवेबल सिंगुलरिटी।
इलेवंथ है जैड इज़ ए नॉन जीरो कंपलैक्स नंबर विच वन इज़ ट्रू, इन्हें विचों केड़ा ट्रू है। कंपलैक्स नंबर की गल की गई अपने को जैड इज़ एनी नॉन जीरो कंपलैक्स नंबर दिता हुआ इन्हें चो अपना ट्रू स्टेटमेंट देखनी ऑप्शन चो अपने को वेखो जो मोड ऑफ जैड है इन्हों आप लिखते हैं आर, ठीक है। एंड जो एरगूमेंट ऑफ जैड है वो अपने को थीटा है, इन्ना आपको क्लीयर है, ठीक है जी। हूँ आप जैड कला लिखिए, जैड आप लिखते हैं आर कोस थीटा प्लस योटा साइन थीटा, ठीक है। आ जरा आर आप नीचे ले जा सकते हैं, आर ना लिख सकते हैं मोड ऑफ जैड, इट मीनस जैड अपॉन मोड ऑफ जैड इस इक्वल टू अपने को आ गया, इतने मोड नहीं ला सकते आप, इक्वल टू की आ गया जैड अपॉन मोड ऑफ जैड इज इक्वल टू क्या गया कोज ऑफ थीटा प्लस ईओटा साइन थीटा, ठीक है। हूँ अपने को देखो इतने माइनस वन की कंडीशन है, प्लस है इतने माइनस है, माइनस है तीन ऑप्शन अपने को माइनस तो आप माइनस करके देखते हैं जैड अपॉन मोड ऑफ जैड माइनस वन, ठीक है। तो इतने मोड लगा इनका मोड आप ला देंगे तो इनू किमें सॉल्व करोगे वेखो इधर भी माइनस हो जाएगा ना रियल पार्ट से माइनस होएगा तो कोज थीटा माइनस वन की स्केयर आप मॉड भी किया ना नाल तो इन्हों एक्स की स्केयर प्लस वाई की स्केयर तो वाई अपने को है साइन, ठीक है साइन थीटा की स्केयर इनू ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो अपने को आ जाएगा टू मोड ऑफ साइन थीटा अपॉन टू। आपको पता जो साइन थीटा होंगे वो लैस दैन और इक्वल टू कि थीटा तो ये साइन थीटा अपॉन टू कि लैस आ जाएगा टू ये लैस दैन और इक्वल टू आ जाएगा टू थीटा अपॉन टू टू ना टू कैंसल हो जाएगा थीटा आ जाएगा थीटा अपने को एरगूमेंट ऑफ जैड तो एक मतलब कि अपने को ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगी लैस दैन और इक्वल टू मोड ऑफ जैड, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा। ट्वेल्थ है जीरो इज प्योरली रियल, जीरो नू आप प्योरली रियल नहीं बोल सकते क्योंकि आप देखो जीरो नू आप इस ढंग ना भी जो आप योटा भी ना लिखिए तो वह भी लिखी सकता क्योंकि जीरो ने जीरो रहने योटा ना मल्टीप्लाई होने भी ना ही आप प्योरली इमेजनरी बोल सकते हैं। बोथ प्योर रियल एंड प्योर इमेजनरी रियल बट नॉट इमेजनरी, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन गलत है, ये भी तो अपने को बोथ रियल भी आ सकता है प्योरली रियल भी आ सकता है प्योरली इमेजनरी भी आ सकता है। फोर्टीन सम है इन अ स्कूल 50% स्टूडेंट प्ले क्रिकेट 40% प्ले फुटबॉल इफ 10% ऑफ स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स दैन वट परसेंट ऑफ स्टूडेंट प्ले नीदर क्रिकेट नोर फुटबॉल, ठीक है। अपने को जो क्रिकेट वाले हैं वो किन्नी है 50% है, फुटबॉल वाले है 40% है एंड बोथ वाले किन्नी है 10% है, ठीक है। पहले आप फाइंड कर लेंगे ओनली क्रिकेट वाले किन्नी है, जिन्हें टोटल क्रिकेट वाले है 50% है उन्हें विच्चों बोथ वाले माइनस कर देंगे 10% तो अपने को बन जाएंगे 40%। सेम ही आप ओनली फुटबॉल वाले फाइंड कर लेंगे, फुटबॉल वाले किन्ने हैं अपने को 40 है बोथ वाले 10 है माइनस कर दोगे 30% फुटबॉल वाले आ गए जी। हूँ आप टोटल स्टूडेंट देखिए, टोटल स्टूडेंट जो की है वो प्ले एनी गेम कोई ना कोई गेम लेंदे है, टोटल जो स्टूडेंट है कोई गेम लेंदे है वो किन्ने आ गए अपने को 40 प्लस 30 ओनली क्रिकेट ओनली फुटबॉल एंड बोथ वाले 10 ये वाले ऐड हो जाएंगे तो अपने को 80% स्टूडेंट है जो कोई ना कोई गेम लेंदे बट टोटल अपने को 100% तो उन्हें क्या नीदर क्रिकेट नोर फुटबॉल आप फाइंड करना तो नीदर क्रिकेट नोर फुटबॉल की अपने को आ जाएगा 100 माइनस 80 तो 20% सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आ जाएगा। 15 है इफ एक्स लाई बिटवीन 0 to 2 है पहला सैट एंड बी है वाई इज़ प्राइम नंबर, ठीक है। दैन वट इज़ द इंटरसैक्शन इक्वल टू, इंटरसैक्शन इन्हों की आएगी तो पहला आप ए सैट लिख लेंगे, ए अपने को एलीमेंट आएंगे एक्स जोड़ा 0 to 1 पूरे सिलाई करता है 0 भी आएगा 1 आएगा एंड 2 आएगा। सेम ईयर बी च आप प्राइम नंबर लैने प्राइम नंबर 2 तो स्टार्ट होंगे 2, 3, 5, 7 अप टू सोन प्राइम, हूँ इन्हों की इंटरसैक्शन लाओगे तो इंटरसैक्शन ओनली अपने को बचेगी 2 जोड़ा इन्हों का कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन 2 है तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगी। 15 है इफ एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस 0 दिता दैन वट इज़ द वैल्यू, जो भी अपने को इवें इक्वेशन आँदी है जो अपने को कंडीशन दी आप बनाने की कोशिश करनी है वो कंडीशन किमें बन सकती है जे आप तिना जे अपने कोलम है इन्हों ऐड कर दिए तिना कॉलम्स में ऐड कर दो बी प्लस सी सेम इधर आ जाएगा ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी इतने आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी बाकी सैकेंड एंड थर्ड कॉलम एज इट रह जाएंगे। हूँ ये अपने को दिता है 0, ठीक है ये भी 0 आ गया ये भी 0 आ गया ये भी 0 आ गया जो अपने को एक कॉलम पूरा 0 आ गया तो इन्हें सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट में बनेगा 0 ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगी।
17 है. इफ द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन इज दिस वन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करनी है. मिडल टर्म आपने को दिखती हुई है तो आपने को 2n की है इवन है जी, आपने को n 2n इवन है तो मिडल टर्म आपने को की आएगी, मिडल टर्म की आएगी 2n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म जड़ी हो की आएगी मिडल. तो अपने को 2n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 टर्म आ गई. ठीक है तो इन दी n प्लस 1 टर्म्स आप फाइंड कर लेंगे. जो भी टी n प्लस 1 टर्म फाइंड करोगे टी n प्लस 1 तो अपने को r की आ जाएगा n ओनली 2n सी n. ठीक है तो x दी स्केयर द पावर 2n माइनस n तक आ जाएगा n नाल अपने को 1 अपॉन x दी पावर n. क्लियर इतों तक. तो इतने अपने को आ गया 2n तो ए की है एन माइनस हो जाएगी, अपने को बच जाएगा 2n सी n एक्स की पावर एन. ये अपने को इक्वल लिखता दिस फॉर्म दे इक्वल लिखता इन लिख लो एक्स की पावर 10. ठीक है हूँ अपने को 2n सी n दिता आप कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है एक्स की पावर कंपेयर कर सकते हो तो एक्स की पावर एन है तो एक्स की पावर 10 है. ठीक है तो इतने कंपेयर करोगे तो एन इक्वल टू की बनेगा 10. ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगी. 18 है लेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू दिस वन पेयर बी ग्रेटर दैन ए. वट आर ए एंड बी इक्वल टू, ए बी किन इक्वल हो सकता है फस्ट ऑप्शन दे सैकेंड दे थर्ड दे. ठीक है तो अपने को कंडीशन दी है कि बोथ आर ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन जीरो दिती है तो एंड बी ग्रेटर दैन ए दिता है. यहाँ ही पॉसीबल हो सकता है जहाँ तो अपने को एक्स माइनस ए जरा वह अपने को लैस दैन जीरो हो एंड जरा एक्स माइनस बी है वो भी है लैस दैन जीरो हो ही अपने को जरा बी ग्रेटर दैन ए आ सकता. ठीक है तो आप इस ढंग भी लिख सकते हैं एक्स लैस दैन ए आ गया एंड एक्स जो है वो लैस दैन बी आ गया. ये ऑप्शन के लिए अपने को शो होती पी है सी ऑप्शन. ठीक है तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगी. 19 है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन कि टर्म्स है जे आप ध्यान ना देखिए तो इन्हें ए प्लस बी का फार्मूला खुल लिया इन आप कवर कर दें ए प्लस बी की होल स्केयर द पावर 5. ठीक है सेम हेयर इतने भी फार्मूला अपने को ओपन हो रहा 1 प्लस 2 वाई. ठीक है तो इतने अपने को किया गया 2 तो नाल किया गया 5. 5 2 का 10 किया गया एक्स प्लस पावर 10. इतने भी अपने को 1 प्लस 2 वाई की पावर 10. फिर उन्होंने अपन पूछा कि नंबर ऑफ टर्म्स, इन नंबर ऑफ टर्म्स की होनगियाँ जो अपने को एक्स प्लस ए होंगे तो नंबर ऑफ टर्म की पावर एन होंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कि एन प्लस 1 हो जाएंगे. ठीक है तो इतने अपने को कि आ जाएंगे 11 10 प्लस 1 भी कि आ जाएंगे 11 तो टोटल करोगे 22 टर्म्स आ जाएंगे. डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगा. 20 एल एट ए बी बी सी इन आ ए पी एंड के नॉट इक्वल टू 0 बी आर रियल नंबर विच ऑफ फॉलोइंग्स आर करैक्ट. ये अपने को ए पी से दिता उन्हें क्या दिस वन ए पी बिल्कुल राइट है. जो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करिए ए पी ना तो ए पी रहेगी, जो कोई आप सबट्रैक्ट करते हैं तो भी क्यों ए पी हूँ, जो डिवाइड करिए भी वो ए पी जी रहा. ठीक है तो इनका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आएगी. 21 है इफ थर्ड एट्थ एंड 13 टर्म ऑफ जी पी आर पी क्यू आर दिता दैन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करैक्ट, इन्होंने कि टर्म से करैक्ट है. ठीक है पहला जो अपने को आया गिवन कि अपने को टी थ्री है इन आप लिख सकते ए आर दी स्केयर इज इक्वल टू पी. ए अपने को फस्ट टर्म है एंड आर की अपने को रेशो है इन्हों नंबर 1 लिख लोगे. फिर अपने को एट्थ टर्म एंड 13 दिखती है सेम आप एट्थ टर्म लिख लेंगे उत्थे आ गया ए आर दी पावर 7 इज इक्वल टू क्यू इन आप सैकेंड टर्म ले लेंगे एंड ए 13 इज इक्वल टू ए आर दी पावर 12 इक्वल टू दिता आर दे इनू थर्ड टर्म ले लेंगे. ठीक है हूँ अपने को बाय ऑप्शन चेक करो देखो अपने को इतने पी आर पी क्यू 1 एंड पी प्लस आर है. अब पहला फस्ट बनावेंगे पी आर बनावेंगे. ठीक है पी आर किमें बनता फस्ट नू थर्ड नू मल्टीप्लाई करन ते. ठीक है फस्ट थर्ड नू मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे इतने आ जाएगा ए दी स्केयर आर दी पावर 2 तो इतने अपने को 12 है तो मल्टीप्लाई करोगे कि आ जाएगा 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा पी आर. ठीक है तो इनू आप लिख सकते ए आर द पावर 2 की पावर 7 इज इक्वल टू पी आर जिथे पावर 7 है ए आर दी अपने को की है पावर 7 है तो इन ए अपने को की बनता है क्यू. ठीक है तो इनू आप क्यू फिल कर सकते हैं कि लिख सकते हैं क्यू दी स्केयर क्योंकि इतने अपने को बनता पाया स्केयर बनता पाया. ठीक है इतने पावर 14 है ना तो इनू आप
ए आर की पावर 7 की पावर 2 कर सकते हैं कॉमन, ठीक है, थोड़ा रिवर्स हो गया, इट इज 14 है तो पावर 2 कॉमन कर सकते, 14 टू द 7 टू द 14 एंड ए की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। ए आर की पावर 7 अपने को की है क्यू है, क्यू की पावर 2 इज इक्वल टू की बन गया पी आर, तो इट मीनस जो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आ गई है, बाकी अपन चेक करने की जरूरत नहीं है, जो चेक भी करोगे तो क्यों होंगे रॉन्ग होंगे। 22 है वट इज द टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स 1/3, ठीक है, इन आप डायरैक्ट फार्मूला फिल कर सकते हैं, अपने को पता है कि टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का फार्मूला अपने को हों, ठीक है, वो फार्मूला अपने फिल कर देंगे, टू टेंजेंट इनवर्स एक्स का सारे फार्मूला आता होना की है, टेंजेंट इनवर्स एक्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्केयर, एक्स की जगह अपने को 1/3 तो फिल कर दो कि बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 दी होल स्केयर, ठीक है, तो टेंजेंट है टेंजेंट खत्म हो गया, अपने को बच गया 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 3/4, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 23 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रजेंट फैमिली ऑफ कर्व, कई डिफरेंशियल इक्वेशन है मतलब डेरीवेटिव करना अपने को, ठीक है, तो इनका डेरीवेटिव कर दो तो अपने को आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2x² माइनस सी डी पावर 2 नाल इस टर्म का डेरीवेटिव किया आ जाएगा 4x, ठीक है, ये अपने को फिर की बन गया y बन गया, तो इतने आप लिख सकते हैं माइनस 4x, ये अपने को बन रहा है y डी स्केयर, ठीक है, तो इन चो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 24 है इफ एफेक्ट्स दिस वन इनक्रीजिंग इन इंटरवल टी एंड डिक्रीजिंग इन इंटरवल एस विच वन ऑफ फॉलोइंग करैक्ट केड़ा करैक्ट है, ठीक है, जो भी इनक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग चेक कर दियो दैन अपन डेरीवेटिव की जरूरत पैंती है, तो पहले फस्ट ऑफ आल पैंता कि कर लें डेरीवेटिव सॉल्व कर लें, ठीक है, तो इनका डेरीवेटिव सॉल्व कर लो अपने को बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ जाएगा, ठीक है, इतने 3x स्केयर आ जाएगा, 3 ना 3 कैंसल हो जाएगा तो एक्स स्केयर बन जाएगा, दूजे में सॉल्व करोगे 2 अगे आ जाएगा 5x आ जाएगा प्लस 6 डेरीवेटिव सबू करना होता, ठीक है, तो जो इनक्रीजिंग होंगे तो डेरीवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंगे, तो डेरीवेटिव अपने को है दिस वन इन फैक्टराइज कर लोगे एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 2 आ जाएगा, तो ये दोनों फैक्टर की होंगे ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, ठीक है, ये ग्रेटर दैन जो होंगे तो आप इन्हों की लिख सकते हैं माइनस इनफिनिटी टू, ये बारला पार्ट आ जाता है, ठीक है, माइनस इनफिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इनफिनिटी, क्लीयर, ये अपने को टी आ गया, हूँ टी इतने देखो फस्ट ऑप्शन च करैक्ट बनता पे अपने को, सैकेंड 5 बनता है बिल्कुल रोंग है, सी च इनफिनिटी बनता है तो डी च 2-3 बनता है, ये भी बिल्कुल रोंग है, अपने को ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तुम एस भी चैक करना चाहो तो एस भी चेक कर सकते हो, उन्होंने कहा डिक्रीज तो एफ डैश एक्स तुम लैके चलना लैस दैन और इक्वल टू 0 तो एस जरा 2-3 बनेगा। नैक्सट एक तुम्हें इंपॉर्टेंट थ्योरम देवे, ये स्टेटमेंट एज इट तुम्हें लर्न करनी है, लवेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक्चर कैडर के सिलेबस में स्पैशल मैनशन है, तो एक 2-4 इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मास्टर कैडर को हट के है, तो तुम्हें याद कर स्टेटमेंट है एज इट लर्न करनी है। एफ जेड इज एनालैटिक इन द एंटायर जेड प्लेन, एनालैटिक फंक्शन दिता है इंटायर जेड प्लेन से, दैन एफ जेड की होगा कॉन्सटेंट होगा, इन्नी स्टेटमेंट है। नैक्सट तुम्हें जोड़े है एक्सटर्नल नॉलेज है दैट एफ जेड बी इन ट्रैगल सैटिसफाइड इनइक्वैलिटी एफ जेड मोड ऑफ एफ जेड लैस दैन इक्वल टू एम और वैल्यू ऑफ जेड वेयर एम इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सटेंट दैन एफ जेड इज़ कॉन्सटेंट आएगा, क्लीयर, तो इस स्टेटमेंट तुम्हें एज याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करो, बैल आइकन पर प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। Thanks for watching my video.